कर्पूर गौरम करुणायतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदावसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि भवं भवानी सरितं नमामि नीलां भुजशा हेलो thank you.
आज का समय है ना भजन के। इस समस्त प्रसंग सेना और रावण की सेना के बीच में युद्ध हो रहा है। युद्ध में वानर सेना मूर्छित हो जाते हैं और देवताओं लोग उनको देख करके भगवान से स्तुति करते हैं कि हे प्रभु ये क्या हो रहा है। और देवताओं की स्तुति को भगवान राम मान लेते हैं और भगवान राम रणभूमि पर अपना चारण धनुष लेकर के पहुंचते हैं। और इस जब पहुंचते हैं तो देवताओं लोग अष्टाकाश से सुमन का वर्षा करते हैं और सुमन का वर्षा होने के बाद देवताओं को यहाँ हर्ष हो रहे हैं और दोनों के बीच में यह युद्ध चल रहा है। और युद्ध में वहां जब भगवान राम का रूप को जब वानर सेना भी देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि इंद्र धनुष दिखाई दे रहा है और वो वानर सेनाओं के बीच लोग दिखाई दे रहे हैं। और वहां रावण दल के सेनाओं का रक्त भी बह रहा है जिसे अर्थात जिसका हृदय कमजोर है उस रक्त को देख के डर को जो होता है वो देखने में संशय होता है उसको डर हो जाता है। मात्र समय को देखते हुए बात यही मेरा भवत है बोलिए श्री आप रामचंद्र की जय। इसके बहुत साधुवाद तरफ से थे स्वर संगम मानस परिवार की बड़ी सुंदर मनमोहक गायन वादन की प्रस्तुति हृदय स्पर्शी वास्तव में मन को छू गया। कथा प्रसंग यह है कि अभी आपके दोहे के 86 दोहा पढ़े हैं 85 दोहा है। रावण यहां पर यज्ञ कर रहे हैं जी और इधर दोनों सेनाओं के बीच जैसा कि आपने प्रसंग में बताया बहुत अच्छा अभी तक बड़ा सुंदर प्रसंग स्पष्ट रूप से प्रसंग आपने बताया है कि रावण के दोनों सेनाओं का युद्ध छठी प्रसंग जिसको कहा जाए। मुझे ये आपसे जानने की इच्छा है कि जो जग विध्वंस हो रहा है रावण कर रहा है जग यज्ञ रावण कर रहा है जी ये यज्ञ की सूचना प्रभु श्री रामचंद्र जी को किसने दिया। यह सूचना विभीषण जी ने दी। बहुत सुंदर आपका प्रश्न पूरा होना चाहिए धन्यवाद ये मानस को यहाँ पर स्पष्ट लिखा है यहाँ विभीषण सरस्वती पाई शपथ जाए रघुपति सुना अर्थात विभीषण जी ने जाकर यह सूचना प्रदान किया है मानस शुक्ल से। मानस में पंच कवल क्या है जनमानस को बताइए। प्रणाम श्री महोदय जी प्रश्न को एक बार और स्पष्ट करें। मानस में पंच कवल क्या है जनमानस को बताइए। पंच कवल जी पंच कवल मानस में चलिए आप समाधान कर दीजिए एक बार चलिए अच्छे पंच कवल उसे मानस में पंच कवल मेरे को यही आ रहा है कि पांच चरित्र अदम चरेरा ये पंच कवल ये भी हो सकता है। दूसरी चीज की पंच कवल मतलब जो है कि पांच प्रकार के फूल का भी पंच कवल कहा गया है
यही मेरा विचार आ रहा है। बहुत अच्छा आपका प्रयास। जैसा कि मानस में पंच कवल जो है, पंच ग्रास मन को कहा गया है, जो जीवनार में भोज्य पदार्थ जब बन जाते हैं तो पंच ग्रास भोजन निकाला जाता है, उसे ही पंच कवल बताया गया है। पंच कवल कर जीवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। सीताराम जी की बात प्रसंग मानस मंडली जननी, आप लोगों से मानस प्रश्न है। गंगा जी हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। गंगा जी वैसे तो कथा दूसरे टाइप के भी है, लेकिन गंगा जी हिमालय से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती हैं। आप लोगों से मेरा मानस प्रश्न है कि इतनी दूरी के बीच में कौन कौन से प्रमुख तीर्थ स्थल है? हिमालय से लेकर के बंगाल की खाड़ी के बीच में कितने तीर्थ स्थल है? इसमें 5 और 10 नहीं है, गिनती गिनना पड़ेगा। प्रमुख ये देखिए, ये बंगाल की खाड़ी पर तो विज्ञान के अध्ययन से मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन लेकिन धर्म के ज्ञान से बताइए, आप विज्ञान रामायण के ज्ञान से बताइए। ये तीर्थ स्थान मतलब जो है कि रामचरितमानस में साधु संत समाज प्रयाग और एक तीर्थ राज प्रयाग, ये मतलब जो है तीर्थ रामचरितमानस के अंदर आया है। बोल रहे पाया हूँ कि एक साधु संत समाज, जैसे अभी हम लोग इस राम कथा को सभी लोग मतलब अध्ययन अर्थात मतलब भगवान राम का जो गुणगान कर रहे हैं, ये साधु संत समाज प्रयाग है और एक तीर्थ राज प्रयाग, जहाँ मतलब जो है कि जहाँ त्रिवेणी है वहाँ जा करके मनुष्य अपना स्नान करके अपने पापों को जो धोता है वो मतलब जो है कि एक तीर्थ वो है। मैं तो चाहता हूँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एक ही आप बता रहे हैं। एक साधु संत समाज प्रयाग मतलब ये जो साधु संत समाज प्रयाग जो है, जो स्वामी जी ने स्पष्ट किए हैं कि साधु संत समाज प्रयाग जहाँ साधुओं का मतलब जो है कि जहाँ एक समूह होता है और वहाँ मतलब जो है कि साधुओं को जाकर के सेवा करने से जो मतलब जो पुण्य मिलता है वो साधु संत समाज प्रयाग है, और ये तीर्थ राज प्रयाग है जहाँ मतलब जाकर के गंगा जी में लोग स्नान करते हैं और अपने पापों को जो धोते हैं वो मतलब जो है कि ये दो मेरे रामचरित मानस में मिला। ठीक है, तीर्थराज प्रयाग पहला, दूसरा हरिद्वार और तीसरा आप जाते हैं तीर्थकर में गंगा सागर। ये तीन स्थान हिमालय से निकल करके और वहां पहुंचने तक बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने में ये तीन महान तीर्थ, इसमें से आपने एक को बताया तीर्थराज प्रयाग, बिल्कुल सही है। दूसरा हरिद्वार और तीसरा गंगा सागर, ज्यादा साहब में जाते हैं। हरिद्वार का जो बात आया है तो हरिद्वार का बात करने से मैं तो सोचता हूँ कि मतलब रामचरितमानस से हरिद्वार का प्रश्न मेरे को नहीं मिला है, लेकिन आप रामचरितमानस में है सर, तो रामचरितमानस के हिसाब से पूछे हैं तो मैं दो पाए जिसका अध्ययन मैं किया हूँ जिसको आपको बताया। मैं हरिद्वार ये जो कह रहे हैं कि विश्राम सागर से ज्यादा अध्ययन है, गीता से जुड़ा हुआ चीज है। हाँ ठीक है, मेरा प्रश्न है कि इसके तट में कौन कौन से, चलिए ठीक है। हाँ ठीक है, मान लिया पहला प्रयागराज, तीसरा प्रयाग और दूसरा हरिद्वार और तीसरा गंगा सागर। गंगा सागर ये तीन है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, और आपका समय सीमा यहीं पर समाप्त करते हुए हम मंच से आप लोगों को सादर विदा करते हैं। तत्पश्चात बोले।